Hey guys, what's up? This is Soul Ripple. Welcome to my channel. आज हम देखने वाले हैं एक न्यू एनिमे और मैं देने वाला हूँ उसको फर्स्ट इम्प्रेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो. सो आज हम बात करने वाले हैं एक नए एनिमे के बारे में जिसका नाम है डोंट टॉय विद मी मिस नागातोरो. इसका जापनीज नेम है इजरतादे नागातोरो-सान, इजनारादे. ये एक रोमांटिक कॉमेडी जॉनरा का एनिमे है. इसका मांगा निकला था 2017 में नवंबर में. ये अभी तक चल रहा है, उसके 9 वॉल्यूम आ चुके हैं. इसकी टीवी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड आया था 11th अप्रैल को. इसको क्रंचीरोल ने और मीडिया लिंक्स ने लाइसेंस करा है. इसका स्टूडियो है टेलीकॉम एनिमेशन. सो TMS एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये 60s से एनिमे बना रही है, तो बहुत बहुत पुरानी कंपनी है. और सबसे लेजेंडरी एनिमेज भी इन्होंने बनाए हैं, लाइक लूपिन इन्होंने पूरा बनाया था, डिटेक्टिव कोनन इनका है, डॉक्टर स्टोन, डी ग्रे मैन, लिस्ट ख़त्म नहीं होती है. इतनी बड़ी कंपनी है ये इस एनिमे की. और आई थिंक 12-13 एपिसोड आएंगे, उसके बाद और नहीं आएंगे. सो बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की और प्लॉट की. सो इसमें एक्चुअली मैं मेन प्रोटैगनिस्ट लड़की है, बट मैं उसको प्रोटैगनिस्ट नहीं कहूँगा क्योंकि मैं बाद में बताऊँगा अभी. और उस लड़की का नाम है हयासे नागातोरो. वो एक 15 साल की टीनेजर है और फर्स्ट वाले एपिसोड में उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट और डोमिनेटिंग टाइप का दिखाया हुआ है. और इसमें हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर है नाटो हाचीओजी. वो एक बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट और मांगाका है, लाइक उसको मांगा बनाने में अच्छा लगता है. और सबसे पहले एपिसोड में दिखाया गया है कि नागातोरो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और वो अपने सीनियर, एक साल जो सीनियर है नाटो को, बहुत परेशान कर रही है. और परेशान इन द सेंस लाइक लिटरली बुलिंग चल रही थी मेरे सामने. और मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि ये इतना ज़्यादा कॉमन ही चीज़ दिखाई हुई है, लेकिन जो मोटे चमड़ी वाले लोग होते हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि बुलिंग इज़ नॉट ओनली फिजिकल, इट्स लाइक मेंटल. आप किसी को इतना परेशान नहीं कर सकते कि उसका मेंटल इम्बैलेंस हो जाए. बुलिंग के नाम पे इन्होंने काफ़ी कुछ दिखाया, हॉस्टाइल नेचर उस लड़की का दिखा था. सो मेरे को काफ़ी डिस्टर्बिंग लगा यार में. इसका राइटर एक्चुअली में फेमस है हेंताई बनाने के लिए, लाइक डोजिंची हेंताई बनाता है ये. इसलिए इसका लोग शुरू शुरू में विरोध कर रहे थे इस चीज़ का कि इस बंदे का एनिमे नहीं बनना चाहिए क्योंकि ऐसे हेंताई वगैरह बनाता है. लेकिन फिर भी इसका एनिमे पब्लिश हुआ. बीच में बात चल रही थी कि इसका एनिमे कैंसिल हो सकता है, लेकिन अभी आ चुका है. सो इसमें और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं लेकिन उनका इंट्रोडक्शन अभी तक दिखाया नहीं है. और धीरे धीरे ये स्टोरी प्रोग्रेस होने वाली है. मैं प्रेफर नहीं करूँगा बच्चों को ये एनिमे देखने के लिए, बेशक से रोमांटिक कॉमेडी हो, लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट है रोमांटिक के. फर्स्ट एपिसोड में लाइक आई हेट दैट गर्ल, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. इसमें बाद में ये करने वाले हैं कि वो लड़की इसके प्यार में पड़ जाएगी, ऑल दैट रोमांटिक बुलशिट. बट लाइक मेंटल अब्यूज, बुलिंग और हॉस्टाइल नेचर दिखाया हुआ है इस लड़की के अंदर, जो एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड में भी होता है. एंड आई डोंट सपोर्ट इट एट ऑल. सो आई रिकमेंड दिस एनिमे ओनली टू 18+ व्यूअर्स. एंड प्लीज वॉच ऑन योर ओन रिस्क. एंड दैट्स गाइस, दैट वॉज माई फर्स्ट इंप्रेशन ऑन डोंट टॉय विद मी मिस नागातोरो. ये एक रोमांटिक एनिमे नहीं कहूँगा मैं स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में होने वाली है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज.